आज चल दिए कदम अनजान राहों पर, देखते देखते हम थे किसी किनारे पर। अनभिज्ञ थे, खबर ना थी कहाँ खड़े थे। हृदय तल की हलचल जो साथ ले चले थे। अचानक स्पर्श लहरों का मुझे जगा गया एक प्रवाह, जो अंतर मन की धारा को सहला गया। पूछा उसने, क्यों विचार मग्न हो रहे, शुभ्र मन से अपनी गागर को क्यों भर रहे। मैंने पूछा, निरंतर बढ़ते रहना तेरी नियति है, हर अवरोध के उपरांत भी सत्कर्म पर अड़ी है। प्रेम करुणा समरसता से तूने पहचान बनाई है, कहां से तुमने अपने अंदर इतनी ऊर्जा समाई है। वह बोली, मैं नियति की क्रूर लहरों पर सदा से पली हूँ, मैं समय की भट्टियों में तपी और पिघली हूँ। मैं नहीं संबंध की कोई मौलिक स्थापना हूँ, जो मिला जी भर हृदय से उसी की याचना हूँ। कुछ मत पूछो, आओ तुम्हें खुद से मिलाती हूँ, तुम्हें जीना सिखाती हूँ, तुम्हें मिथ्या जाल से निकालती हूँ। उसकी बातों से अब मन में ना कोई द्वंद और ना द्वेष रहा, स्वयं के अंधकार का विनाश अशेष रहा। मैंने पूछा, तू ही बता कैसे आत्मिक शुद्धि करूं, क्या तेरे जल से अपनी आत्मा के सारे विकार दूर करूं। वह बोली, आत्मा ना निखरेगी मेरे जल से, उसका कर निखार तू स्वयं के चिंतन से। नदी के हर शब्द से मन के तार खुल गए, जब आत्मा तक पहुंचने के हर द्वार खुल गए। जब जन्म लिया था इस धरा पर, तब भी थी मेरी निश्चल काया, आज उसी निश्चल काया ने आत्मशुद्धि से फिर वही रूप पाया। लेकिन यात्रा मेरी अनंत है और अनंत यह संसार, अमित सृष्टि का अंग है नित्य आत्म विचार। जब ये रूपांतरित तन मन से पुनः मैंने जन्म लिया, प्रेम करुणा समरसता के मार्ग का संकल्प लिया। धन्यवाद।